हम दिखाएंगे आपको आपके शहर की हर खबर का सच अपने कोरोना योद्धाओं के साथ। हर खबर की हकीकत से रूबरू कराएंगे अपने संवाददाताओं के साथ। चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। समता योग आश्रम की ओर से हर रोज जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है। समता योग आश्रम की ओर से यह सेवा अपने सेवादारों के साथ मिलकर के दी जा रही है, जो सुबह 6 बजे से ही आश्रम के अंदर आ करके खाना बनाने का कार्य करते हैं और उसके बाद उन्हें पैकिंग करने के बाद उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है जिसे इस लॉकडाउन के समय में इस खाने की जरूरत है। करीब 1000 से अधिक लोगों को यहां से 2 वक्त का खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर के सभी आश्रम प्रेमियों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। यहां से जी हमारे 2 टाइम का खाना जाता है बनके, दोपहर का और शाम का, रात का। तो सुबह हम 6 बजे शुरू कर देते हैं प्रिपरेशन, और अपने सेवादार हैं और 3 पेइंग रखे हुए हैं अपने पास कारीगर, उनका बना के पैक करके दोनों टाइम का 1000-1200 का, एक टाइम में 1300 तक भी जाता है, 2500-2600 रोज का जा रहा है खाना हमारा। कुछ रेड क्रॉस में जाता है, कुछ इधर खारवान की तरफ 130-135 आइटम पैकेट जाते हैं पैक करके। 100-150 बंदों को हम जो है यहाँ लोग अपने अपने बर्तन लेके आते हैं, जो गरीब परिवार हैं उनको देते हैं दोनों टाइम का। तो ये हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का ही है, उनकी सारी काया माया है। समता योग आश्रम यमुनानगर जगाधरी की तरफ से, बाहर से हम किसी से सहयोग नहीं ले रहे हैं, बाकी बहुत दानी पुरुष भी बैठे हुए हैं दे रहे हैं समता योग आश्रम के नाम पे, हम उसी से प्रिपेयर करके दे रहे हैं। तो लोग, ये संदेश है कि कोरोना से बचने के लिए अपने घर के अंदर रहें, अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखें, कोई भूखा ना सोए, कोई दुखी है तो उसकी सेवा करो। हमारे तो गुरु महाराज जी का भी यही हुक्म है कि हर दिन दुखी की सेवा तन मन धन से जितनी हो सकती है समर्था अनुसार जो है करनी चाहिए, यही संदेश।